हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। जी हाँ, इसमें जैसे आपको वैल्यूज़ रटवा दी जाती हैं, साइन 45, साइन 30, साइन 60। अगर आपसे बोला जाए साइन 480 की वैल्यू बताओ, साइन कॉसेक 690 की वैल्यू बताओ, 1040 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है और बिल्कुल सिंपल मेथड है जो आपको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा। ग्राफ क्या होता है? यही होता है, बिल्कुल यही होता है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़, आपको एक्स और वाई नहीं लेना है। बस ये चीज़ का है कि यहाँ पे आपको एक्स वाई नहीं लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये चार पोर्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा और ये आपका फोर्थ होगा। ठीक है, तो आपके चार क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ पे जो इसको याद करने की ट्रिक होती है वो देखिएगा। ऑल ऑल मीन्स जो जितने भी आपके साइन के साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? छः होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर इनके इनवर्स। साइन का इनवर्स कौन होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का इनवर्स कौन होता है? सेक थीटा होता है। और टेन का इनवर्स क्या होता है आपका? कॉट थीटा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक और टेन का इनवर्स कॉट। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको फॉर्मूला जो ट्रिक है याद करने की, वो है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो ऑल ऑल मीन्स यहाँ इस पहले क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट एस, एस फॉर साइन, टेक टी फॉर टेन, और यहाँ पे कॉफ़ी मीन्स कॉस। जी हाँ, पहले पहले वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ऑल मीन्स सभी छः के छः ही, स्टूडेंट मतलब ऐसे शुरुआत है तो साइन, और टेक टेन थीटा, कॉफ़ी कॉस थीटा। तो ये आपके चार हो गए। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इनके इनवर्स भी इन्हीं के साथ रहते हैं। तो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा। टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा। और सेक का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। तो ये भी इनके साथ है। तो टोटल छः के छः हमारे पास वैल्यूज़ मिल गई। अब क्या सेटअप है, क्या कौन सी क्या वैल्यू है, ये हम अभी देखेंगे। तो ध्यान से देखो, ये शुरुआत होती है आपकी ज़ीरो से। ये कहाँ पर ये होता है? 90, ये आपका 180, ये आपका 270, और यहाँ फाइनल फिर वापस लौटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 360। जैसे घड़ी घूमती है ना, शुरुआत होती है और एंड होता है, तो टोटल आपको पता है एक घड़ी का टोटल एंगल कितना होता है? एक सर्कुलर किसी भी सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है आपका? 360 हो जाता है। कितना होता है? 360। तो जीरो से चालू करेंगे और उसी पे पहुंचेंगे, 360 का एंगल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? 360। अब जरा इस चीज़ को समझिएगा क्या है, मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। जैसे आपका 90 को आप बोलेंगे पाई बाई टू, 180 आपका पाई होता है। तो ध्यान रखिए, ये रेडियन में वैल्यू, 180 मींस होता है आपका पाई, 180 मींस पाई। तो 90 है तो 2 से डिवाइड करें पाई बाई 2। उसी तरीके से आपका कॉस 60, कॉस 30 आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। मैं आपको ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करा के वैल्यूज़ पे कराना चाहूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ऑल तो मतलब अगर 0 से 90, मतलब इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है ये चीज़ समझें आप। इस क्वाड्रेंट का मतलब है 90 माइनस थीटा। क्या है इसका मतलब? 90 माइनस, मतलब 90 से कम जितनी वैल्यू होंगी, चाहे वो 89 से, मतलब 0 से लेके 89 तक, मतलब 89.99, मतलब सिर्फ 90 से लेस देन होना चाहिए। अब जैसे 30, 45, 60, 57, 75, जो भी उसको बोलेंगे हम 90 माइनस थीटा। तो अगर हम कहीं भी 90 माइनस थीटा देखते हैं तो आपके सभी इसमें जो होंगे पॉजिटिव आएंगे। जो साइन उनका जो आएगा वो क्या आएगा? हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा उनका? पॉजिटिव आएगा। इनमें सभी क्या होंगे आपके? पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, तो इसको मैं लिखूंगा 90 प्लस थीटा। 90 से क्या है? ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो 90 प्लस थीटा, और 180 से कम है तो इसको लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो ये चीज़ आपको समझ में, जो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसका मतलब 90 से ज़्यादा है, जैसे 100, 120, 110, 150 और कहाँ तक 180 से लेस देन है, 180 से कम होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए? कम। तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ऐसी दो वैल्यू आती हैं तो उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जितने वो सब नेगेटिव। बाकी कौन बचे? कॉस टेन और कॉसेक और कॉट, ये चारों आपके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, अब आप समझ ही गए होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। आप ध्यान से देख सकते हैं 180 प्लस और 270 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जगह अगर इसका मतलब 180 से ज़्यादा और 270 से कम वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब ये कि टेन और कॉट आपके पॉजिटिव साइन में रहेंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो बाकी के चार बचे हैं वो आपके कौन से फॉर्म में रहेंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अगर ये वाली कंडीशन बनती है, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब एक और चीज़ आप देख लीजिए जो मिस नहीं करनी है, ये जो आपका प्लस थीटा होता है, इस तरह का पोर्शन ये ऊपर जा रहे हैं तो आप प्लस में रहेगा और नीचे जाते हैं तो उसको माइनस थीटा कहते हैं। क्या होगा, नीचे आपका माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, फोर्थ चतुर्थांश जो होता है वो आपका माइनस थीटा होता है। तो अगर कहीं भी कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी साइन माइनस थीटा, आपका कोसेक माइनस थीटा, ये सब आपके नेगेटिव होंगे। ये तो आपकी ट्रिक होगा याद करने की, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल मतलब फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड टेक, थर्ड और आपका कॉपी फोर्थ। ऑल मींस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्टूडेंट मींस साइन, टेक मतलब टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस, कॉस। और आपको बता दूं कि जो उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके इनवर्स रेशियो मतलब उनका उल्टे वाले जो होते हैं वो भी उन्हीं उसी क्वाड्रेंट में होते हैं, मतलब उस क्वाड्रेंट में अगर होंगे तो वो भी आपके पॉजिटिव होंगे। तो चलो ये तो हमने चीज़ देख ली, अब इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, सुनिए जरा ध्यान से। ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 90 और 270 की बात जब भी हम किसी भी वैल्यूज़ को 90 या 270 से चेंज करेंगे तो वो एक्चुअली चेंज हो जाता है। वो कैसे क्या चेंज होगा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे की चीज़, जैसे मैं आपको बता दूं, यहीं पे बताऊंगा। अगर सपोज कि आपका 90 और 270 आपसे चेंज कर रहे हैं तो आपको बता देता हूं मैं, 90 और 270 की बात हो रही है, या तो 90 डिग्री या तो आपका 270 डिग्री की बात हो रही है। अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, मैटर नहीं करता है कि साइन 90 माइनस थीटा है कि प्लस थीटा, या साइन 270 प्लस थीटा है कि 270 माइनस थीटा है, मैटर ये करता है आपने चेंज 90 या 270 से करा है। तो आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन थीटा में। अगर आपने 90 या 270 से चेंज करा है, साइन को साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। उसी तरीके से टेन थीटा को आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, और अगर कॉट में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका टेन थीटा में, ठीक है। उसी के साथ अगर ये आप कॉसेक थीटा को चेंज करते हैं तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका सेक थीटा जो है वो आपका कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है 90 और 270 में, जब भी आप किसी भी नंबर को 90 और 270 में चेंज करेंगे तो इसका मतलब आप वो इस तरीके से चेंज होगा, 90 और 270 से वो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, यहाँ पे चेंज होने वाली, यहाँ पे इनवर्स वाली बात है, यहाँ पे चेंज इस तरीके से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको वैल्यूज बताता हूँ। अब जो इतनी पूरी चीज़, इतना ज्ञान जो हमने लिया है किस लिए है कि हमें अब वैल्यूज पुट करनी है, तो हम एक आध वैल्यूज ले लेते हैं, मैं आपको हर एक वैल्यू करके बताऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने अगर ध्यान से अभी ध्यान दे लिया तो आपको फिर बाद में ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप यूं कर लेंगे, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपको थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। साइन 315 डिग्री, जी हाँ, आपका क्वेश्चन क्या लिया आपने, साइन 315 डिग्री आपने लिया हुआ है। तो साइन 315 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो गाइज आपके पास, आप कोई सी भी वैल्यू से, आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, आप 180 से कर सकते हैं, 270 से कर सकते हैं, 90 से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दो, जो ज़्यादा जिसके नियरेस्ट होता है आप उससे चेंज करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ कितनी वैल्यू, आपको देखो एक बात बता दो, अगर आपको ये वैल्यूज निकालना है तो आपको कुछ बेसिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसमें आपका
आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, 60, बस ये तीन वैल्यू 30, 45 और 60, ये तीन आपको हर चीज़ में आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए जो आपको जनरली पता रहती हैं। अगर आप नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी एक ट्रिक वाला आपको वीडियो बता दूँ। हालांकि आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज़ के लिए एक वीडियो बनाए, आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वैल्यूज़ वाला वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसको पहले देख लें, उससे वैल्यू सीख लें 30, 60 और 45 की, और फिर आप ये वाला वीडियो देखें कि हम किस तरीके से साइन इनकी बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी कितने आसानी से कर सकते हैं। हमें बेसिकली ब्रेक करना है किसी भी क्वेश्चन को 30, 45 और 60 में। जरा ध्यान से देखिएगा, 315 लिखा हुआ, इसका नाम इसको 360 के नियर है ये, तो मैं इसको चेंज ऐसे लिखूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, साइन 360 माइनस 360 में से 315 को माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, 360 में से 315 को माइनस करूंगा तो 45 बचा, कितना बचा 45। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 360 में से 45 को माइनस करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो कितना बचेगा 350। मतलब मैंने कोई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख दें आप। देखो यहाँ पे आपका 360 लिखा हुआ है, 360 में से 45 जाएगा तो 360 में 45 कितना बचेगा, 350 ही बचेगा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस थीटा है, कौन सा साइन आएगा माइनस, तो ये 360 हो जाएगा साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो आपका माइनस का 45 आ गया, साइन माइनस 45 डिग्री, साइन माइनस 45 डिग्री। तो ये आपका माइनस क्यों है, बिकॉज अभी इसका क्वाड्रेंट नहीं था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब भैया क्या करना है हमें, अब साइन और देखो आप साइन माइनस थीटा लिखा है, साइन माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा भी कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, तो माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो भैया साइन 315 की वैल्यू कितनी होती, -1/√2 होती। आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं बहुत फटाफट इस वैल्यू को निकाल सकता हूं, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं बड़े अच्छे से। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि किस चीज़ से आपको उसको ब्रेक करना है, किस चीज़ से आपको उसको सब्सिट्यूट करना है, 90 से या 270 से करें, तो आपको फिर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे साइन 360 माइनस थीटा साइन माइनस साइन माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आया कि नहीं आया, उसी तरीके से आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस साइन थीटा बाहर भी लिख सकते थे या फिर अंदर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम और वैल्यूज लेते हैं और सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर अब मुझे वैल्यू निकालनी cos 225 की, cos 225 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बताओ ये किसके नियर बाय, ये दो चीजों के नियर बाय हो रहा है, या तो आप इसको 270 के नियर लिख सकते हो या 180 के, अब आपको जो मर्जी आप कर लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ही आपको कोई फर्क पड़ेगा। तो देखो भैया आपको किससे करना, मैं दोनों से करके बता रहा हूं, इससे ये भी चेक हो जाएगा कि भैया अपन कोई भी वैल्यू लेने से आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो देखो मैं 180 से कर रहा हूं इसको, तो कॉस 180 प्लस कितना प्लस करेगी भैया, ये आपका 225 हो जाए, तो 180 और 225 को माइनस कर दो तो 5, ये आपका 45 रखा, कितना आ रहा 45, तो 180 प्लस 45। तो एक बात बताएं, 180 प्लस थीटा किसका क्वाड्रेंट है, 180 प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, 10 का होता है, तो ऑब्वियसली वैल्यू किसका आएगा माइनस, तो माइनस का कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो आंसर इज -1/√2, आंसर इज -1/√2। अब इसको अगर मैं 270 से करना चाहूं तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, तो देख लेते हैं। जैसे कॉस 270, तो मैं माइनस अगर करना माइनस करूंगा तो 270 में से 225 माइनस करें तो 5 बचा, एक मन से मानेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो 40, ये भी 45 ही हो रहा है, तो 45 तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 45, तो 270 माइनस 45, तो जरा ध्यान से देखें 270 माइनस थीटा किसका होता है, ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट ही है 270 माइनस थीटा। लेकिन आपको बता दूं आपने 270 से चेंज करा है, किससे चेंज करा है 270 से, 270 से चेंज करेंगे तो आपको कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में, और साइन भी किसका आएगा साथ में माइनस का, क्योंकि ये इसका क्वाड्रेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 45, और साइन की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। देखो दोनों से आंसर इक्वली आया, अलग नहीं आया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी ज़्यादातर जो वैल्यू आप ब्रेक करो तो 245, 30 या 60 बने, 45, 30 या 60 बने, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपको पता हैं। तो आप मोस्टली इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें कि या तो 30 डिग्री बने या 45 डिग्री बने या फिर 60 डिग्री बने, आप वो ऐसे माइनस प्लस करके देख सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बिल्कुल सिंपल था, अब मैं थोड़े और बड़े वैल्यूज थोड़ी ले ले, ये क्या लिखा हुआ है,
ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉसेक 870 डिग्री, कॉसेक 870 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो ये तो 360 के भी नियर बाय नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं चीज़ें रिपीट, यहाँ पे एक चीज़ है आप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, पाई मीस 180 डिग्री होता है, अभी मैंने आपको बताया था पाई मीस क्या होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई मीस क्या होगा 360, तो पाई 3 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, इनमें इनकी वैल्यूज रिपीट होती हैं। क्या होती है वैल्यू रिपीट, तो आप 360 इंटू 2 लिखें, 360 इंटू 4 लिखें, या फिर 180 इंटू 2 लिखें, तो सभी में वैल्यूज क्या होने वाली हैं आपके रिपीट होने वाली हैं, तो वो सब वैल्यूज वो ही आती हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं इसको 360 से ही कर रहा हूँ, तो cos x यहाँ 360 देखो 870 लिखा हुआ है, तो इसमें आप ऑब्वियसली बात है ये 900 के अप्रोक्सीमेट बगल में ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 360 इंटू 2 कितना होगा 0, 6 2 जै 12 कैरी 81, 3 2 जै 6 और 7 720 हो रहा है, तो कितना बचा आपका ये 870 है, तो 720 से जाएगा तो कितना बचेगा 0, 5, 150 बच रहा है, कितना बच रहा है 150, तो प्लस 150। तो अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो भैया देखो 360 माइनस थीटा ये नीचे वाला क्वाड्रेंट होता है, तो वापस फिर से रिपीट होंगी ना चीज़ें, मैंने बोला कि 360 मतलब 4 पाई 2 पाई इस पर भी वैल्यू रिपीट होती है, तो 360 प्लस थीटा तो जस्ट ऊपर वाला ही, और ऊपर वाला कौन सा होता है ऑल का होता है, पहला ही क्वाड्रेंट होता है, तो ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, किस में आएगा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भैया अपन इसको कर लेते हैं, 360 प्लस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा ही हो जाएगा, तो ये कॉसेक 150 डिग्री आ गया, कॉसेक 150 डिग्री आ गया, कॉसेक 150 को फिर से चेंज कर दीजिए, ये 150 180 के नियर बाय है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉसेक 180 माइनस 30, तो कॉसेक आपको पता ही है कॉसेक का खुद का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, उसका खुद का क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये 180 माइनस थीटा भी क्या होता है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है, तो मैं कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ओनली कॉसेक थीटा, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो इसका अपोजिट क्योंकि उल्टा होता है रेसिप्रोकल या इसका मतलब इनवर्स होता है, तो ये आपका कितना 30 उसकी वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सो दिस इज द आंसर, मतलब कॉसेक 870 की जो वैल्यू है, कॉसेक 870 की जो वैल्यू वो कितनी है 2 है, कितनी है 2। अब हम और क्वेश्चन ले लेते, हमने वैल्यू ली है साइन 660, साइन 660 की वैल्यू हमें निकालना है, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा किससे करेंगे 360 से करेंगे, तो अगर मैं साइन 360 करता हूँ 360 में 2 का ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 360 इंटू 2 करूँ कितना हो जाएगा 0, 3 2 12 कह रहे हैं 720 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 06 और कुछ नहीं, तो मान लो आपका 360 माइनस थीटा, तो भैया एक बार बताओ कौन सा 360 माइनस थीटा किसका क्वाड्रेंट होता है, 360 माइनस थीटा किसका क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है आपका कॉस का, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जी हाँ √3/2, तो दिस इज दी आंसर, साइन 660 की वैल्यू कितनी है माइनस √3/2। तो गाइज यही था आपका आज का इतना वीडियो, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में ज़रूर आएगा, और ये बहुत शानदार ट्रिक, और ये आपके क्वेश्चन बहुत IMP हैं आपके, हो सकता है आपके JEE मेंस में या फिर आपके CPT मैथ्स के कोई बार में ये आपके आ सकते हैं और आते ही आते हैं, तो इसकी वैल्यूज आपको आना चाहिए, अगर आपको साइन 30, 40, 45 इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको वो वैल्यूज़ क्लियर हो जाए, जो बेसिक वैल्यू है 30, 45 और 60 की वैल्यू, फिर मैं आपको आगे, फिर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।